दोस्तों, जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है तब से टर्की के रोल के ऊपर काफी बातचीत की जा रही है। टर्की यहाँ पे एक मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहा है, एक नेगोशिएटर बनने की कोशिश कर रहा है, यूक्रेन और रशिया के बीच में बातचीत कराने की कोशिश कर रहा है। अब इस बीच में अक्सर कर ये सवाल उठा है कि टर्की एक्चुअली में किसकी साइड है, क्या ये प्रो रशिया है, क्या ये प्रो वेस्ट है। जैसे कि आपको पता है टर्की एक नाटो का मेंबर है तो आपको लगेगा ये प्रो वेस्ट है, लेकिन ओवरऑल टर्की की क्या रिलेशनशिप रही है रशिया के साथ। और रिसेंटली ही टर्की ने जो डिसीजन लिया है कि चाहे वो रशिया के फाइटर जेट्स हों, चाहे रशिया का सिविलियन एयरक्राफ्ट हो, वो सीरिया नहीं जा सकता। अगर कोई जहाज सीधे रशिया से सीरिया जा रहा है तो वो टर्की के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर सकता, टर्की के आसमानों से नहीं उड़ सकता। अब जरा इसको नक्शे से समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा वो क्लियर समझ में आएगा। यहाँ आपको टर्की नजर आ रहा है, टर्की की बड़ी ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। यहाँ पे आपको बॉस्फोरस स्ट्रेट नजर आ रही है, ये ब्लैक सी है, ये मेडिटेरियन सी है। ब्लैक सी में यहाँ पे क्रीमियन पेनिनसुला दिख रहा है, आपको क्रीमियन पेनिनसुला को रशिया ने कब्जा रखा, इधर रशिया दिख रहा है, यहाँ जॉर्जिया दिख रहा है, इधर टर्की, और टर्की के साउथ में आता है आपका सीरिया। अब अगर रशिया से किसी जहाज को सीरिया में जाना हो तो या तो वो इस रास्ते से जॉर्जिया से उड़ते हुए, आर्मेनिया से उड़ते हुए, ईरान से, इराक से होते हुए सीरिया के अंदर जाए, या फिर वो सीधे रशिया से उड़े ब्लैक सी के अंदर और फिर टर्की के अंदर, या फिर जॉर्जिया के एयर स्पेस को इस्तेमाल करते हुए टर्की के अंदर आए। ये डायरेक्ट जहाज अब रशिया से सीरिया नहीं जा सकते, क्योंकि अगर जाएंगे तो वो टर्की के एयर स्पेस में होंगे। अब सवाल ये उठता है कि टर्की ने अपना एयर स्पेस रशियन जहाजों को सीरिया जाने से रोकने के लिए क्यों इस्तेमाल किया है? क्या सीरिया के अंदर जो सिविल वॉर हो रहा है वहां पर टर्की रशिया के सामने एक एज लेना चाहता है, इसलिए इस्तेमाल किया है, या फिर यूक्रेन क्राइसिस में टर्की अब बहुत हद तक प्रो वेस्ट हो रहा है और रशिया के अगेंस्ट सैंक्शन लगाना चाहता है इसलिए इस्तेमाल किया है? इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा हिस्ट्री में जाके हमको टर्की और रशिया के रिलेशंस के बारे में भी बात करनी पड़ेगी। देखिए, टर्की और रशिया के रिलेशंस आप देखोगे तो शुरुआती दौर में रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं थे। 1952 के समय की अगर बात की जाए तो टर्की नाटो का मेंबर बना, और उस समय पर नाटो के बनने की एकमात्र वजह क्या थी? यूएसएसआर को काउंटर करना। तो टर्की के यूएसएसआर से रिश्ते अच्छे नहीं थे, लेकिन 1987 में टर्की ने सोवियत गैस को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। मैं आपको बता दूं, यूएस ने बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स को भी डिप्लॉय किया था टर्की की जमीन पे, तो आप समझ सकते हो कि किस हद तक इंगेजमेंट था यूएस का टर्की के साथ। बेसिकली बहुत हद तक शुरुआत में मिलिट्रली टर्की यूएस के ऊपर डिपेंडेंट रहा है, यूएस के बहुत सारे फाइटर जेट्स, बहुत सारे और मिसाइल डिफेंस सिस्टम टर्की ने यूएस से ही खरीदे हैं। फिर आप देखोगे कि धीरे धीरे टर्की ने अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया, सोवियत गैस खरीदी यूएसएसआर से, बाद में रशिया से गैस खरीदनी शुरू की टर्की ने। फिर जब यूएसएसआर का, सोवियत यूनियन का विघटन हो गया, केवल रशिया बचा, तो रशिया उतना स्ट्रांग था नहीं, तो टर्की ने बोला चलो उनके साथ ट्रेड शुरू करते हैं। 2008 में यूरोपियन यूनियन के बाद अगर सबसे बड़ा कोई ट्रेड पार्टनर था टर्की का तो वो था रशिया, और धीरे धीरे करके यहाँ पे रिश्ते अच्छे हुए। ओवरऑल टर्किश प्रेसिडेंट रसिप तैयब अर्दोगन रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमिर पुतिन से मिले, और यहाँ पे वीजा फ्री ट्रेवल की सुविधा दी गई, मतलब रशियन नागरिक टर्की के अंदर आ सकते हैं, कोई वीजा की जरूरत नहीं, टर्किश नागरिक रशिया के अंदर जा सकते हैं, कोई वीजा की जरूरत नहीं। और बाद में आई एक लैंडमार्क डील, टर्की ने खरीदे रशिया के एडवांस्ड S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। ये वही S-400 है जो कि इस समय पे इंडिया रशिया से खरीद रहा है, ये टर्की ने रशिया से खरीदे। जब टर्की ने रशिया से ये S-400 खरीदा, यूएस ने एक बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री डील कैंसिल कर दी। यूएस अपने एडवांस F-35 फाइटर जेट्स बेचने वाला था टर्की को, टर्की खरीदने वाला था, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, लेकिन जैसे ही टर्की ने S-400 मिसाइल डिस्टेंस सिस्टम खरीदा, यूएस ने बोला हम तुमको F-35 नहीं बेचेंगे, एक प्रकार का काटसा सैंक्शन यहाँ पे लगा दिया। हालांकि बाद में टर्की का बोलना है कि हमें F-16 ही बेच दो अगर आप F-35 नहीं बेच सकते हो तो, लेकिन बीच में आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे एक टेक्नो फर्स्ट इस्तानबुल करके एक मिलिट्री आप कह लो इवेंट हुआ इस्तानबुल के अंदर, और वहां पे रशिया ने अपने सुखोई 35 टर्की को बेचने की कोशिश की। हालांकि टर्की ने अब तक रशिया के फाइटर जेट्स नहीं खरीदे, लेकिन बीच में समय ऐसा भी मत आता कि शायद टर्की रशिया से फाइटर जेट्स खरीद सकता था यूएस के F-16 के अलावा। हालांकि अभी के लिए यूएस का, टर्की का फोकस यूएस से F-16 खरीदने पे ही है, यूएस ने F-35 बेचने से मना कर दिया। ये मैं पास्ट की बातें आपको बता रहा हूँ, मैं एक्चुअली आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि टर्की और रशिया के रिश्ते किस प्रकार से इवॉल्व हुए, और टर्की को बहुत सारी चीजों के चलते यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया। अर्डोगन को करेक्टर को काफी हद तक डिक्टेटरशिप माना गया है साइप्रस के अंदर जो टर्की कर रहा है। फिर
कूप के हालात आ गए थे 2016 के लगभग टर्की के अंदर, तो इसके चलते टर्की के ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज ने कुछ सैंक्शंस भी लगाए। तो उस समय पे टर्की को लगा कि हमें अपने ऑप्शंस को डाइवर्सिफाई करना चाहिए और उसने रिश्ते अच्छे करने की कोशिश की रशिया के साथ। तो अब रशिया ने अपना S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेचा है, तो बहुत हद तक आप कह सकते हो कि इसलिए तो नहीं बेचा होगा कि भाई दोनों एक दूसरे के दुश्मन ने कहीं ना कहीं इंगेज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक फैक्टर यहाँ पे ऐसा है, एक कहना ऐसा यहाँ पे ऐसा है जहाँ पे टर्की और रशिया लगातार एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, वो कौन सा एरेना है? वो है सीरिया का सिविल वॉर। अगर आप सीरिया के सिविल वॉर की बात करो तो यहाँ पे दो तीन मेजर पार्टीज है, एक तो सीरियन आर्म्ड फोर्सेस है जो बशर अल असाद के अंदर है, मतलब सीरिया की आर्मी, और उसको कौन सपोर्ट करता है? उसको सपोर्ट करता है रशिया, उसको सपोर्ट करता है ईरान, उसको सपोर्ट करता है हिजबुल्ला। हिजबुल्ला को अभी के लिए साइड कर लो, हिजबुल्ला एक बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है यूएस के लिए, लेकिन हिजबुल्ला एक लीगल पॉलिटिकल पार्टी है लेबनन के अंदर, तो हिजबुल्ला के अभी के लिए साइड कर देते हैं, ये इतनी स्ट्रांग नहीं है। बट ईरान और रशिया ने सीधे सीधे सीरियन आर्मी को सपोर्ट किया है सिविल वॉर में। इस सीरियन आर्मी के अगेंस्ट लड़ रही थी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, इन सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को सपोर्ट कर रहा था यूएस, लेकिन ये सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस टर्की को नहीं पसंद आती, क्योंकि इन सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस में है कुर्ड, और जो कुर्ड माइनॉरिटी है उनका यह बोलना है कि टर्की ने हमारा एक बहुत बड़ा इलाका कब्जा लिया तो हम वापस लेंगे, तो कुर्ड से टर्की चिढ़ता है। तो कहीं ना कहीं सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को जो सपोर्ट दिया है यूएस ने सीरियन सिविल वॉर में, इससे टर्की नाराज रहता है। और क्या टर्की बशर अल असाद के फेवर में? बशर अल असाद के फेवर में नहीं, बशर अल असाद के अगेंस्ट जो दूसरे रेबल्स लड़ रहे हैं उनको बैक एंड से टर्की सपोर्ट देता है। तो अक्सर कर ये देखा गया कि जो सीरिया है वो एक प्रॉक्सी वॉर बन गया है किसके बीच में? टर्की के बीच में, रशिया के बीच में। कई बार क्या हुआ कि जो रशियन एयर स्ट्राइक्स हैं उससे टर्की के सोल्जर्स मरे हैं, 2015 के लगभग पे एक रशियन फाइटर जेट को टर्की ने मार गिराया था। तो इस प्रकार की भी बहुत सी एक्टिविटीज हुई हैं बीच में। फिर अगर आप देखो तो 2014 के बाद टर्की ने कुछ लिमिटेड आर्म्ड फोर्सेस के इक्विपमेंट भी भेजे हैं यूक्रेन को, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत से आर्म्ड ड्रोन्स टर्की ने यूक्रेन को बेचे हैं। और एक समय पे तो टर्की ने ओपनली बोला कि भाई यूक्रेन को और जॉर्जिया को नाटो का मेंबर बना लो, हालांकि सब लोग टर्की के साथ वाकिया नहीं रखते थे। तो कुल मिला के कह सकते हो कि जो टर्की की इक्वेशन रही रशिया के साथ वो ना ही पूरी दोस्ती की रही है और ना ही पूरी दुश्मनी की रही, एक बीच में बैलेंस्ड व्यू पॉइंट यहाँ पे दोनों लोग लेके चल रहे हैं। तो भले ही सीरिया में एक प्रकार का प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं दोनों ही पार्टीज, बट दोनों ही पार्टीज कहीं ना कहीं डायरेक्टली एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहते, दूसरे मुद्दों पे एक दूसरे के साथ इंगेज करना चाहते हैं। लेकिन जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है तब से समीकरण थोड़े बदल गए, तब से टर्की ने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं। जैसे कि शुरुआत में रशिया के नेवल शिप्स का बॉस्फोरस स्ट्रेट के थ्रू पास करना, बॉस्फोरस स्ट्रेट के लिए और डार्डेनालिस स्ट्रेट के लिए एक कन्वेंशन है 1936 का जिसका नाम है मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन। तो ये मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन टर्की को ये स्ट्रेटेजिक अथॉरिटी देता है कि भाई जरूरत के हिसाब से, समय के हिसाब से और इस पर्टिकुलर मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन की कंडीशंस के हिसाब से कौन से नेवल शिप्स, कौन से कॉमर्शियल शिप्स बॉस्फोरस और डार्डेनालिस स्ट्रेट से निकलेंगे, ये टर्की डिसाइड कर सकता है। अगर आप ब्लैक सी का नक्शा देखें यहाँ पे, तो ब्लैक सी के साथ कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर लगा रही? बुल्गेरिया बॉर्डर लगा रहा है, रोमानिया बॉर्डर लगा रहा है, पहले यूक्रेन भी बॉर्डर लगा रहा है, अभी भी लगा रहा है, पहले तो क्रीमिया यूक्रेन के पास ही था, अब रशिया के पास है, रशिया का तो बड़ा बॉर्डर लग ही रहा है, जॉर्जिया बॉर्डर लगा रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पे मेडिटेरियन सी से कोई शिप यहाँ पे बॉस्फोरस स्ट्रेट को क्रॉस करता हुआ ब्लैक सी में जाता है, तो क्या ब्लैक सी में जाने से टर्की उसे रोक सकता है? देखिए, अगर वो शिप बुल्गारिया में, रोमानिया में, यूक्रेन में, रशिया में, जॉर्जिया में कोई इसका होम बेस निकल के आता और वहां पे होम बेस के प्रतारा ये शिप अगर रजिस्टर्ड है और एडवांस में इसने कहीं ना कहीं टर्की को ये अल्टीमेटम दिया है, अल्टीमेटम तो नहीं बोलना चाहिए, इंटीमेशन दिया है कि हाँ भाई हम आपकी बॉस्फोरस स्ट्रेट को इस्तेमाल करेंगे, तो टर्की मना नहीं कर सकता मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन 1936 के हिसाब से। तो मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन के हिसाब से जो ब्लैक सी के होम सी पोर्ट है, मतलब रशिया, जॉर्जिया, रोमानिया, बुल्गारिया, यूक्रेन के जो रजिस्टर्ड शिप्स हैं, उन रजिस्टर्ड शिप्स को इस पर्टिकुलर बॉस्फोरस स्ट्रेट से निकलने से टर्की मना नहीं कर सकता। हालांकि टर्की के पास इस पर्टिकुलर मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन के अंदर बहुत सारी अलग अलग ताकतें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पीस का समय है या वॉर का समय है, तो उस समय पे शिप्स की मूवमेंट को टर्की रेगुलेट कर सकता है, और इस समय को टर्की ने एक वॉर का समय बताया है, तो जो नेवल शिप्स का मूवमेंट है रशिया का इन ब्लैक सी, इसको कहीं ना कहीं टर्की कुछ हद तक रोक सकता है, एक लिमिट से ज्यादा नहीं रोक सकता, बट हाँ कुछ हद तक जरूर रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, जो कि टर्की ने यहाँ पे किया भी है।
और लेटेस्ट न्यूज क्या निकल के आ रही है कि रशिया से अब प्लेन सीधे सीरिया में उड़ के नहीं जा सकते टर्की के स्पेस को इस्तेमाल करके। अब अगर सीरिया के अंदर, एक सवाल ये उठता है कि अगर सीरिया के अंदर टर्की रशिया एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे तो कहीं ना कहीं टर्की को रशिया का ये जो पहले ही उड़ के आना था टर्की का एयर स्पेस का इस्तेमाल करके सीरिया में पहले ही बंद कर देना चाहिए था, लेकिन टर्की पहले ये नहीं कर सकता था, क्योंकि पहले टर्की अगर ये कर देता तो सीधे एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन शुरू हो सकता था टर्की और रशिया के बीच में। टर्की हमेशा इस बात को अवॉइड करेगा, ये तो रशिया यूक्रेन वॉर पड़ गया है तो इस बात को लेकर पूरी दुनिया ही रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा रही है, तो यहाँ पे भी टर्की ने एक 3 महीने का बैन लगा दिया है कि भैया रशिया के जहाज सीधे टर्की के ऊपर से उड़ के सीरिया में नहीं जाएंगे, अगर आपको जाना है तो साइड से जाओ। तो अब रशिया के लिए एयर स्ट्राइक कंडक्ट करवा पाना सीरिया के अंदर, अपने री इन्फोर्समेंट को अर्जेंट बेसिस पे भेज पाना, ये काफी मुश्किल होने वाला है। और इस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट पे रशिया ज्यादा रिएक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए रशिया इस समय पे वॉर के इस टाइम पे किसी भी कंट्री से ज्यादा पंगा मोल लेने के मूड में है नहीं। कहीं ना कहीं बैक एंड से व्लादिमीर पुतिन रेसिप तैयब अर्डोगन के साथ बातचीत करके ओवरऑल इस बैन को हटाने की कोशिश करेंगे। वॉर में अगर सिर्फ डॉनबास रीजन पे फोकस करो, मारियापोल पे फोकस करो, यूक्रेन की ईस्टर्न पार्ट पे फोकस करो तो रशिया जीतता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है अगले 3 से 4 महीनों में ये वॉर भी बंद हो जाए। और रही बात यहाँ पे रशियन प्लेन्स के लिए जो सीरिया का एक्सेस है उसको काटने की, तो यूक्रेन वॉर से ज्यादा सीरिया के जो अंदर सिविल वॉर है वहां पे जो प्लेयर्स हैं, इस पर्टिकुलर डिसीजन का बेनिफिट टर्की को सीरिया के अंदर ज्यादा मिलेगा ना कि यूक्रेन वॉर के अंदर। डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये स्टेप यूक्रेन के ऊपर प्रेशर जरूर डालेगा। बशर अल असाद को जो सपोर्ट दे रहा था रशिया थ्रू एयर स्ट्राइक्स, ये एयर स्ट्राइक्स रशिया के करने करना काफी मुश्किल हो जाएगा। रशिया की अपनी फोर्सेस का रीइंफोर्स, वैसे तो सीरिया की धरती पे बहुत ज्यादा रशियन फोर्सेस है नहीं, लेकिन हाँ एयर स्ट्राइक का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तगड़ा है, तो उसके लिए रीइंफोर्समेंट चाहिए होते हैं, वो रीइंफोर्समेंट अब रीरूट करके भेजने पड़ेंगे रशिया को। तो एक छोटा सा न्यूज एनालिसिस था जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइए। इस प्रकार की और इंटरेस्टिंग वीडियो जानना चाहते हैं, टॉपिक जानना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। वीडियो को लाइक और शेयर करके जाना दोस्तों, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीज़ों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लाइक और शेयर जरूर करिएगा, इससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ता है, यूट्यूब वीडियोस को रिकमेंड करता है। प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन दोस्तों, दैट इज स्पेसिफिकली हेल्पफुल। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।